हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको कि अनअकैडमी जो है लाया है अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, तब ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको दिए जाते हैं, स्टडी बूस्टर लेसन्स सेशंस, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर भी आपको मिलता है, बाई वीकली रिव्यूज भी आपको मिलेंगे वहाँ पे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपको मिलेगा, ठीक। SOP है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको वहाँ पे बताया जाता है। प्रिपरेटरी जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपको नॉर्मल प्लान पे नहीं मिलता है। तो आइकॉनिक पे आप समझ लीजिए पर्सनल आप अटैचमेंट रहेगा आपका अनअकैडमी से। तो अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आइकॉनिक के लिए ज़रूर जाइए। एक चीज़ और है, आइकॉनिक अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्राइब करते हैं तो या इनरोल होते हैं इसके लिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे चैनल का रेफरल कोड यूज़ करते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने पे आपसे मांगता है वहाँ पे रेफरल कोड का एक बॉक्स होता है, वहाँ पे अगर आप डालिएगा बॉटनी 10, तब आपको 10% का जो भी प्राइस होगा उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। थर्ड चीज़ है अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पे आप जो है आप देख सकते हैं कि आप का लेवल क्या है। आपने CSIR के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए, जो कि एक इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन है CSIR UGC नेट के लिए। ये एग्ज़ाम भी आपका इंडिया लेवल का होता है, तो आप इंडिया लेवल पे आपको अपना रैंक पता चलेगा। इसमें 60 मिनट होंगे, आपके पास 23 क्वेश्चन ओरिजिनल CSIR क्वेश्चन रहेंगे, ये टेस्ट लाइव होगा, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड भी आपको दिखेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जितने भी वहाँ पे कंपटीटर्स रहेंगे वहाँ पे आपको आपका रैंक दिखाया जाएगा। इससे आप अपना वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए, और अनअकैडमी पे वीडियो सॉल्यूशन भी है जहाँ पे आपको आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉम्बैट जो है एवरी अल्टरनेट संडे को होगा, मतलब एक संडे छोड़ के अगले संडे ऐसा होता है। और आप इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा कोड बॉटनीटन यूज़ करिए अनलॉक करने के लिए इसे भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और जेनेटिक्स का जो है MCQ हमने अभी रिसेंटली कराया है, ठीक। तो उसमें 25 MCQ आपको मिला था, होप कि आपने सबका आंसर दिया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि उनका जो है आंसर्स क्या होंगे, ठीक। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल। तो अगर आप लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर जो है मेंडल ने स्टडी किया था, तो वहाँ पर लेंथ ऑफ प्लांट था, कलर ऑफ प्लांट था, पॉड या फ्लावर का पोजीशन था, शेप ऑफ पॉड था, कलर ऑफ पॉड था, शेप ऑफ सीड था, कलर ऑफ कोटिलेडन था, लेकिन जो है प्लांट का कलर उन्होंने स्टडी नहीं किया था, इसलिए इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था। तो कौन सा होगा, सी कलर ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपसे पूछा गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज़ नहीं मिलता है, पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट वहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो गलत है वो है आपका बी वाला, कि मतलब पहला तो सही है कि यहाँ ये जो क्रॉस है वो दो प्योर आर्गिन, देखो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जहाँ पे केवल सिंगल पेयर ऑफ जीन का, ठीक है। ये देखिए टालनेस के लिए, मतलब एक ही करेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट के लिए यूज़ हुआ है, तो ये सही है। पर यहाँ पर आ देखिए F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है, ये किस में आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं आता, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये रेशियो मिलता है। तो जो आपसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, बी ही गलत है। वहीं अगर आप सी की बात करेंगे कि ये जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:1 आता है F2 जनरेशन में, तो ये सही है। यहाँ पे ये जो फीनोटिपिक रेशियो है ये आपका आता है 3:1, लेकिन फीनोटिपिक रेशियो, ठीक। वहीं आप अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो 1:2:1 का आता है, ठीक। डी की बात करें कि ये स्टडी है एक्चुअली सिंगल ट्रेट का, तो मैंने आपको बताया केवल इसमें प्लांट हाइट का स्टडी किया गया है, तो सिंगल ट्रेट के लिए, तो बाकी सारी चीज़ें सही है, केवल ये बी वाला ऑप्शन नहीं सही है। थर्ड आते हैं, हाउ मेनी गैमीट्स विल बी फॉर्म इन F1 जनरेशन ऑफ अ ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। आपसे पूछा जाता है, मैंने आपसे बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब एक
जीन का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे दो जीन का इन्वॉल्वमेंट है, ट्राई हैबिट क्रॉस में तीन जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपसे पूछा गया था इसमें गैमीट्स कितने बनते हैं, तो हमेशा से आप ये फार्मूला रखिए, टू टू पावर एन का फार्मूला, ठीक, कि वहाँ पे आपका कितने कैरेक्टर, कितने जीन है वहाँ पे। अगर आप एक जीन की बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो एन की जगह एक रखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में एन की जगह दो रखिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एन की जगह तीन रखिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका रहेगा टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ओके, तो क्या होगा इस हिसाब से करेक्ट, ये देखिए, इसका आप टू टू पावर थ्री करेंगे तो आंसर आएगा आप 8। इसलिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में आपको 8 जो है गैमीट्स मिलेंगे। बाकी सारे की ये कैलकुलेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जाइगोट्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको कितना मिलता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको कितना मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है, वो सब आप इससे कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फोर्थ पे आते हैं, द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर इट्स डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज। जब हम F1 हाइब्रिड का जो वो होता है, हाइब्रिड प्लांट होता है, उसका अगर हम उसके पेरेंट्स से जो कि डोमिनेंट या रिसेसिव हो किसी भी से कराते हैं, तो ये किस में आता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रिवर्स क्रॉस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आप देखेंगे अगर हम रिसेसिव पेरेंट की यहाँ पे केवल बात करते तो वो हो जाता हमारा टेस्ट क्रॉस, लेकिन यहाँ पे आइदर लिखा है, इट्स डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट, देन इट विल बी अ बैक क्रॉस, बिकॉज टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक। पर ये अगर दोनों की बात हो रही है तो आप बैक क्रॉस में आएंगे, क्योंकि आप बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल और क्रॉस विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट, मैंने केवल स्पेसिफिक नहीं है कि रिसेसिव वाले से, एनी, ठीक, तो वो क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। इस हिसाब से बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं, टू हेटरोजाइगस पिंक फ्लावर प्लांट्स, जो कि मैंने आपको बोला था ये एक्चुअली कहाँ का है, ये आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे ये कंडीशन आता है, रेड और वाइट का आप क्रॉस कराते हैं तो प्रोजनीस पिंक वाली आती हैं, पिंक वाले का यहाँ पे क्रॉस करा के पूछा था कि आप कितना फिनोटिपिक रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रेड वाला है, वाइट वाले से कराया गया F1 जनरेशन में, सारे पिंक वाले मिलेंगे। अब जब यहाँ पे दो पिंक फ्लावर का क्रॉस कराया गया था तो आपसे पूछा जा फिनोटाइप आप क्या वो करते हैं F2 जनरेशन में, ठीक, इनकी प्रोजनीस, तो यही होगा, रेड एक मिलेगा आपको, पिंक दो मिलेगा, वाइट एक, तो वन रेड टू पिंक्स एंड वन वाइट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइप रेशियो 15:1 रिजल्ट ड्यू टू, कह रहा है अगर ड्राई हाइब्रिड क्रॉस आप करते हैं जो F2 फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आना चाहिए, वो अगर 15:1 आता है तो ये किसके कारण होता है, एपिस्टेटिक जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, इनहिबिटरी जीन्स और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑप्शंस में एपिस्टेटिक जीन्स दिया हुआ है, तो एपिस्टेटिक जीन तो है ही, लेकिन करेक्टली जो होगा इसका ये डुप्लीकेट जीन्स होगा। ये क्या आता है, डुप्लीकेट डोमिनेंस एपिस्टेसिस में आता है, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है डुप्लीकेट फैक्टर्स का, ठीक। कंप्लीट डोमिनेंस होता है बोथ जीन पेयर्स का, ठीक। देखिए अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 16 ब्लॉक्स मिलते हैं, जैसे ये है, ये नीचे वाला ब्लॉक 16 ब्लॉक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक ही ऐसा पेयर होता है जहाँ पे सारे के सारे जो एलील होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, तो केवल वही वाला जो होता है आपका वो कैरेक्टर नहीं शो करेगा, बाकी अगर एक भी डोमिनेंट है, 15 में आप देखेंगे 15 में कोई ना कोई डोमिनेंट होगा ही होगा, एक ना एक एलील, तो उसकी वजह से वो सारे एक ही फिनोटाइप शो करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डुप्लीकेट डोमिनेंस एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट जीन। तो डुप्लीकेट आप हमेशा से याद रखिए, डुप्लीकेट में सारा का सारा, मतलब जिसमें सारा का सारा वो नहीं होगा, बाकी सारे में ये आएगा, तो एक ही तरीके का बनाते हैं, तो 15:1 का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे आते हैं, पूछा गया था आपसे, इन अ हाइब्रिड क्रॉस विथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स द F2 रेशियो विल बी, कह रहा अगर आप, एक्चुअली ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं अगर, तो F2 रेशियो कितना होगा। तो आप हमेशा से याद रखिए ये डुप्लीकेट डोमिनेंस है, जो डुप्लीकेट जीन्स है वहाँ पे 15:1 आता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आते हैं तो वहाँ पे 9:7 का रेशियो आता है आपका, ठीक है। मतलब जो 9:3:3:1 होना चाहिए, ये 3 3 6 7 जो है मिलके हो गए। ये ऐसा कंडीशन ये आप फिगर से समझ सकते हैं कि कलरलेस और कलर्ड से, ठीक। तो जहाँ पे दोनों में से एक डोमिनेंट रहेगा, देखिए जहाँ पे दोनों में से आपको दोनों के दोनों एक डोमिनेंट होने चाहिए, वहाँ पे आपको कलर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक जो होता है, दोनों के दोनों रिसेसिव हो गए, तो ये कलरलेस हो गया। यहाँ पे ये फिर से ये कलरलेस हो गया,
ये भी कलर्ड, ये भी कलर, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया तो कलरलेस। मतलब दोनों में से एक डोमिनेंट होना चाहिए, अगर दोनों में से एक डोमिनेंट रहेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, और यही इसलिए वो कलरलेस के, ये तो एक कैरेक्टर हुआ है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर के लिए आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे 9:7 का रेशियो आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो पूरा करता है। अगर दोनों में से एक गया तो फिर आपके कैरेक्टर लूज हो जाएंगे, ऐसा आपको साथ मिलेगा जो पुनेट स्क्वायर आप बनाते हैं, जहाँ पे दोनों में से एक रिसेसिव रहता ही है। आठवें पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, तो ये आसान था, आई कलर जो ड्रोसोफिला में आप पढ़ते हैं वो भी मल्टीपल एलिज्म का आंसर एग्जाम्पल है, एबीओ ब्लड ग्रुप भी एग्जाम्पल है, पर ये जो सी दिया था इट फॉलोज मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ये नहीं है। मेंडल का कॉन्सेप्ट ये जो होता है वो फॉलो नहीं करता है। बाकी स्किन कलर जो होता है रोडेंट्स में, वो भी एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म का। ठीक, तो क्या गलत है इसमें से, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था कि ये मेंडल का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है। नाइन पे आते हैं, एफ टू फिनोटिपिक रेशियो फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉर क्वान्टिटेटिव ट्रेटेज। देखिए मल्टीपल एलिज्म तो अलग कॉन्सेप्ट है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स का। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का जो एफ टू फिनोटिपिक रेशियो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो अलग ही आता है। वो कितना आता है, यही आपसे पूछा गया है, वो आता है आपका 1:4:6:4:1। क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस आप पढ़िए, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, एडिटिव होता है वो। द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कंट्रोल बाई टू पेयर ऑफ जीन्स ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस विल बी 1:4:6:4:1। ये है, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आप जो कर्नल्स होते हैं वीट के कर्नल्स होते हैं, ठीक है, वो लिए आप, जो पूरा रेड हुआ वीट का कर्नल, पूरा रेड है एक पूरा वाइट है, आप उसको क्रॉस कराते हैं तो मीडियम रेड आपको मिलेगा। अब इनसे मीडियम रेड वाला एक फीमेल लीजिए, एक मेल लीजिए, उनसे जब आप क्रॉस कराएंगे तो ऐसा आपको ये 16 आपको ऐसे ब्लॉक मिलेंगे, उसमें से जहाँ पे ये देखिए सारे के सारे डोमिनेंट वाले जीन रहेंगे वो रेडेस्ट रहेगा, डार्केस्ट रेड डार्केस्ट, और ये वाइट। तो ऐसा आपको मिलेगा कि ए एक मिलेगा रेड डार्केस्ट, फिर डार्क मिलेगा आपको 4, मीडियम रेड आपको मिलेगा 6, और फिर लाइट रेड आपको मिलेगा 4, और एक वाइट मिलेगा। तो यही 1:4:6:4:1 का रेशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 6 क्रोमोजोम इन प्लांट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड। से पूछा जाता है 6 क्रोमोजोम प्लांट में सबसे पहले किसमें रिपोर्ट हुआ था, तो 6 क्रोमोजोम जो होता है प्लांट में, ये रिपोर्ट हुआ था सबसे पहले 1917 में लिवर्स वर्ड्स में, जिसका नाम क्या है, स्फीरो कार्पस। ओके, और ये ब्रायोफाइट का मेंबर है, तो ए सही होगा। 11 पे आते हैं, हेटरोजोम्स आर नाउ कॉल्ड। हेटरोजोम को आप किससे जाना जाता है, तो देखिए पहले ऑटोजोम था, हेटरोजोम था, हेटरोजोम्स एक्चुअली ये सेक्स क्रोमोजोम ही है, क्योंकि वो अपीयरेंस उनका अलग अलग होता है, इसलिए उनको हेटरोजोम बोला जाता था। ठीक, अब वही हम सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द स्टडी ऑफ सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट वेरिएशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व डीएनए सीक्वेंस चेंज। तो यही है, अगर आप देखते हैं कि वेरिएशंस आ रहे हैं सेलुलर या फिजियोलॉजिकल ट्रेट में बिना डीएनए के चेंज हुए, तो ये एपिजेनेटिक्स में आता है। एपिजेनेटिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट वेरिएशंस विदाउट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। 13 पे आते हैं, आपसे पूछा था डबल ट्राइजोमी अगर होता है तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डबल जो ट्राइजोमी का मतलब 2n+1, और डबल ट्राइजोमी का मतलब 2n+1+1। ठीक है, ये डबल ट्राइजोमिक, तो सी सही होगा, 2n+1+1। ट्राइजोमी हुआ 2n+1, डबल ट्राइजोमी मतलब एक और जोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आपसे यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है। मोनोजोमिक के क्या हम 2n+1 से करते हैं, नहीं, मोनोजोमी का मतलब माइनस हो रहा है तो 2n- से रिप्रेजेंट करते हैं। नलीजोमिक को हम 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी गलत है। ट्राइजोमिक का पूछा है तो ट्राइजोमिक का 2n+2 से करते हैं, 2n+3 का नहीं, ये पेंटाजोमी हो गया 2n+3। अब एक ही बचता है करेक्टली मैच्ड में, यही डबल मोनोजोमिक। तो डबल मोनोजोमिक क्या होता है, डबल मोनोजोमिक का मतलब मोनोजोमी फिर मोनोजोमी ना, 2n-1 फिर -1, यही करेक्ट आंसर होगा। 15 पे चलते हैं, द कंडीशन इन विच देयर इज 1:1 to many or 1:1 to few क्रोमोजोम इज कॉल्ड। कह रहा है एक कंडीशन ऐसी कि
कभी कम रहता है एक क्रोमोसोम, या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम रहता है, या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में मतलब ये कंडीशन क्या होती है, मोनोप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी या पॉलीटी। तो आपको पता है एन्यूप्लॉयडी ही है, ये जो आप ऊपर सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ये एन्यूप्लॉयडी से ही आता है। इसमें कभी एक दो क्रोमोसोम कम हो जाता है या फिर एक दो क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, तो यही आपसे पूछा है, ये आता है एन्यूप्लॉयडी में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आपसे पूछा गया था रेफेनो ब्रेसिका क्या है, आटो टेट्राप्लॉयड, एलो टेट्राप्लॉयड, ट्राइजोमिक या हेक्साप्लॉयड। तो आपको ये पता होना चाहिए रेफेनो ब्रेसिका जो है ये एक्चुअली एलो टेट्राप्लॉयड है। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था रेडिश, जिसका साइंटिफिक नेम रेफेनस है, और कैबेज का ब्रेसिका, इसीलिए इसको रेफेनो ब्रेसिका बोला जाता है। दोनों के दोनों जो प्लांट है इनका क्रोमोजोम नंबर, ये देखिए रेफेनस हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेसिका। दोनों का दोनों क्रोमोजोम नंबर 18-18 था, इनको क्रॉस कराया गया, इनका गैमिट क्या होगा, इसमें गैमिट इसका 9 होगा, इसका भी गैमिट 9 होगा। अब जो इनसे प्रोजनी बनती है वो स्टेराइल होती है, इनका भी क्रोमोसोम नंबर 18 ही होगा डिप्लॉयडी में। ठीक, पर फिर उसके बाद इसका क्या करते हैं, हम एम्फीडिप्लॉयड बनाते हैं। ठीक, ये फिर से इसका टेट्रा प्लॉयडाइजेशन होता है और फिर ये एक स्टेबल ट्रू ब्रीडिंग हाइब्रिड बनाता है, जिसको हम रेफेनो ब्रेसिका बोलते हैं। मतलब यहाँ पे तो जब दोनों को मिला दिया गया तब तो ये स्टराइल हो गया, लेकिन फिर उसका हम टेट्राप्लॉयड जब बना देते हैं रेफेनो ब्रेसिका जो है एक्चुअली, वो क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग हाइब्रिड हो जाता है। ठीक, अब इसका क्रोमोजोम कितना होगा, 36, और ये क्या है, टेट्राप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन, आपसे पूछा गया था मोनोप्लॉयडी, डिप्लॉयडी, ऑटो पॉलीप्लॉयडी या एलो पॉलीप्लॉयडी, कौन सा जो है नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो आप हमेशा से ध्यान रखिए कि एलो पॉलीप्लॉयडी जो है ये जो होता है मोस्ट कॉमन है ऑटो पॉलीप्लॉयडी से नेचर में। ब्रेड वीट की बात कर लेते हैं, बोला गया ब्रेड वीट जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, वहाँ पे कितने होते हैं, बोला था दो डिसिमिलर जीनोम, दो सिमिलर जीनोम, थ्री डिफरेंट जीनोम या सिक्स डिफरेंट जीनोम। तो ये देखिए ये आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है और ये एक्चुअली तीन प्लांट के उससे मिलके बना हुआ है, ये फाइनली तीन अलग अलग प्लांट का जीनोम लगा हुआ है तब जाके आपका ये प्लांट मिला है। ये देखिए यहाँ पे ए बी डी तीन जीनोम है जिससे बना है आपका ब्रेड वीट, मतलब क्रिटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पे तीन जीनोम है, लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला है आपका ए जीनोम ट्रिटिकम यूरार टू, ये ट्रिटिकम यूरार टू है। बी वाला एजलोप्स स्पेल्टॉइडस है बी वाला। सी वाला क्या है, आर डी जिसको आप बोलते हैं, डी डी जीनोम है एजलोप्स टाउशाई। ये तीन तीन प्लांट का जीनोम लगा था, वो कंट्रीब्यूट करता है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम बनाने में। 19 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम चेंजेस इज यूज द मोस्ट डैमेजिंग विद इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो आप हमेशा इसे याद रखिए, डिलीशन जो है अगर ये एक ऐसा क्रोमोजोम चेंज है जो मोस्ट डैमेजिंग है अगर होमोजाइगस कंडीशन में आपको मिलता है। अ डिलीशन म्यूटेशन अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट कॉपी ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, और इसी वजह से ये होता है। 20 पे आते हैं, 7:1:1:7 का फिनोटिपिक रेशियो अगर आपको मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो ये क्या शो करता है। तो इसके पीछे एक्सपेरिमेंट है आपको मिलेगा, ठीक है, कि F2 जनरेशन में 1:1:1:1 का रेशियो जो है एक्सपेक्ट किया जाता है टेस्ट क्रॉस का, लेकिन वहाँ पर कितना मिलता है, 7:1:1:7 का रेशियो मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि जो डोमिनेंट एलील्स हैं ये साथ साथ में ही रहते हैं और रिसेसिव एलील्स भी साथ साथ में ही रहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये आप देखेंगे ये एक्चुअली लिंकेज का ही वो है, रिजल्ट है लिंकेज के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एब्सोल्यूट लिंकेज इज नोन टू अकर इन, एब्सोल्यूट लिंकेज या कम्प्लीट लिंकेज किस में होता है, तो ये मैं आपको बता दूँ मेल ड्रोसोफिला में होता है। ठीक, मेल ड्रोसोफिला में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसलिए कंप्लीट लिंकेज होता है। 22, हु क्वाइंड द टर्म लिंकेज, लिंकेज का टर्म किसने क्वाइंड किया था, तो इसका क्रेडिट जाता है टीएच मॉर्गन को। 23 पे आते हैं, कह रहा है अगर क्रॉस ओवर परसेंटेज है दो जीन्स के बीच में तो वो कब कौन सा परसेंटेज नहीं एक्सीड कर सकता, 15, 25, 50, 75,
तो आप हमेशा से याद रखिए कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है दो जीन्स के बीच में, वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि 50% पे माना जाता है कि दो दो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग क्रोमोजोम पे। ठीक, जो रैंडम असॉर्टमेंट होता है उसमें ही हमें 50% का वो मिलता है रिजल्ट। 24 पे आते हैं, जेनेटिक मैप्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर बेस्ड ऑन, जेनेटिक मैप जो क्रोमोजोम बनाया जाता है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक, कि कितना हमें फ्रीक्वेंसीज मिलता है रिकम्बिनेशन का, कितना परसेंटेज, उसके बेसिस पे हम डिसाइड वो जेनेटिक मैप बनाते हैं कि दो जीन्स जो होता है कितने दूर हैं आपस में। फिर आपसे पूछा गया था लास्ट की जो हेटरोसिस फिनोमिनन है ये क्या है, तो जो हेटरोसिस फिनोमिनन है ये एक्चुअली हाइब्रिड विगर है, मतलब हेटरोसिस है जिसको हाइब्रिड विगर या आउट ब्रीडिंग बोलते हैं, ये इन्हेंसमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, इंक्रीज फंक्शन होता है यहाँ पे बायोलॉजिकल क्वालिटी का एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का। ठीक, अगर कोई ऑफस्प्रिंग हेटरोटिक है तो उसका ट्रेड जो होता है इन्हेंस हो जाता है, मतलब दो का अगर आप क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट हाइब्रिड बनता है उसमें जो सुपीरियरिटी आती है उसको हम हेटरोसिस कहते हैं या हाइब्रिड विगर बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपने एमसीक्यू वो किया था। ठीक, मैं होप कि आपको सारे का आंसर मिल गया होगा, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी पहले, जो आपको एमसीक्यूज़ गलत हुए थे, ये टॉपिक आप फिर से देख लीजिए जर्नली। ठीक, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मासस ऑफ बॉटनी पे, अगर आपने हमें अदर जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ भी हमें ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी हमारा है चैनल, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा। आप कहीं भी आइए, क्वेश्चन दीजिए, सब लोग हैं वहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक, बहुत सारे एमसीक्यूज लोग डालते रहते हैं, तो लगातार जुड़े रहिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते रहिए। ठीक, क्योंकि लाइफ में हमें एक ही बार चांस मिलता है, दोबारा नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा सा स्लो नहीं होना है। ठीक, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है आपको प्रिपेयर करवाएंगे जेनेटिक्स के बाद, देखते हैं हम उसका, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि क्या चीज़ें एमसीक्यू दे 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 रहा हूँ मैं। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एमसीक्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।